दोस्तों आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि कोई भी सोशल मीडिया वाले कंपनी हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर स्नैपचैट, अपने यूजर्स को कम होता हुआ देख वो नहीं ले सकती। इसलिए ये सब प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि अकाउंट को डिलीट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखते रहिए, 2 मिनट फॉलो कीजिए और आपको बता दूंगा कैसे उसको आप मात्र 2 मिनट के अंदर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वो वाला अकाउंट ओपन कर लेना जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोफाइल के बटन के ऊपर, फिर आपको यहाँ पे 3 बटन दिख रहे होंगे ऊपर, इस पर क्लिक करना है, फिर जाना आपको यहाँ पे सेटिंग्स में, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेल्प, ये हेल्प का बटन है, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे हेल्प सेंटर के अंदर, उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 बटन फिर से दिख रहे होंगे यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाने के बाद में पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता था आपको अपने अकाउंट को डिलीट करने का, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है मैनेज योर अकाउंट के ऊपर, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डिलीट योर अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको मेन्यू दिख जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेम्पररी डिलीट अकाउंट करने का ही ऑप्शन है। जैसे कि आप साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट को परमानेंटली हटाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टेम्पररी रूप से आप अपने अकाउंट को जो है डिलीट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे वो ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये जो ऊपर वाला मेन्यू दिख रहा होगा ना, इसको आपको ओपन करना है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे फिर से 3 मेन्यू दिख जाएंगे, instagram.com फ्रॉम कंप्यूटर, मोबाइल ब्राउजर और इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस 3rd नंबर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा एंड्रॉयड ऐप हेल्प दिख जाएगा, राइट, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल ब्राउजर हेल्प के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा instagram.com फ्रॉम मोबाइल ब्राउजर, इस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट पेज, ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट को डिलीट करने का। अब आपको अपना अकाउंट डिलीट कैसे करना है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर editasia.net के बारे में। editasia.net एक वेबसाइट है जहां पे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज आप ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का ही ऑप्शन दिखाऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज हो, वो इंडियन हो या ग्लोबल हो, तो आप हमारी वेबसाइट editasia.net से खरीद सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे सस्ता जो प्लान है वो 6 रुपए के 1000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का है। आप मात्र 6 रुपए के अंदर इंस्टाग्राम के 1000 फॉलोअर्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और अगर आपको एकदम नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स चाहिए, जो जिंदगी में कभी भी ड्रॉप ना हो, तो उसके लिए आपका चार्ज लगता है 29 रुपीज का। आप चाहो तो इंडियन फॉलोअर्स भी खरीद सकते हैं, आप चाहो तो अपने रील्स पे व्यूज वगैरह भी खरीद सकते हैं। व्यूज मात्र यहाँ पे आपको 12-13 पैसे के 1000 रुपए के दर के हिसाब से मिलेंगे। आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम की रील्स पे, पोस्ट पे, हर जगह पे आप लाइक्स खरीद सकते हैं। लाइक्स की रेट आपको यहाँ मिलती है 3 या 4 रुपए के अंदर 1000 की। अगर आपको वेबसाइट ट्राई करनी है, चेक करना है कि ये सब काम किस तरह से होता है, तो मैंने एक वीडियो की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो इस ऑसम वेबसाइट की ऑसम सर्विसेज को। तो इसके बाद में आपको अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए एक रीज़न देना पड़ेगा कि भाई आप अपना अकाउंट जो है क्यों हटाना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए। जैसे मेरी तरफ से एक अकाउंट दूसरा तैयार कर लिया गया है, तो मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, याद ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में उसको हटा सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद डिलीट बिका न्यूज़ पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो ये पेज है, ये जो मेरा अकाउंट है, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है तकरीबन 1 महीने का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज की जो तारीख है वो है 29th of November, लेकिन आपका जो अकाउंट डिलीट होगा ना वो आपका होगा 29 दिसंबर को। तो 30 दिनों का यहाँ पे एक पीरियड लिया जाता है जिसके अंदर आपको अपना अकाउंट बिल्कुल लॉगिन नहीं करना, याद रखना। ऐसा ना हो कि आप अपने अकाउंट को डिलीट पे लगा दो और साथ साथ में अकाउंट को लॉगिन भी कर लो, तो आपका फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको अपने अकाउंट को परमानेंटली हटाना है, तो इस 30 दिनों के पीरियड के दौरान आपको अपना अकाउंट बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करना है। 30 दिनों के बाद में आपका जो ये पेज है या फिर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।